खबर गुरदासपुर तो सामने आ रही है जिथे जिले के सरहदी हलका डेरा बाबा नानक के अधीन पेंदे पिंड निकोसरा दे विच उस वेले स्थिति तनावपूर्वक बन जाती है जदों एक परिवार दे वल्लों पिंड दे विचकार एक जगह पर चर्च बनाउण दे लई काम शुरू कर दिता जाता है। प्रार्थना करके चर्च की इमारत की उसारी शुरू कर दी जाती है तो नहिंग जथेबंदियों के वल्लों इसका विरोध करना शुरू कर दिता जाता है। चर्च बनाउण वाली जगह पर पहुँच के काम रुकवा के धरना देना शुरू कर दिता जाता है। इस मामले की गंभीरता समझते हुए इतलाह मिलदी मौके पर पहुंची पुलिस के वल्लों भारी पुलिस बल उत्थे तैनात कर दिता जाता है। मामले नूं शांत करवाउण दी पूरी कोशिश की जाती है। पूरे मामले के संबंध दे विच जानकारी देंदे हुए की कहना सी पिंड वासियां दा, आओ सुनाउंदे आ तुहानूं। मेरा नाम जगतार सिंह है जी, मेरा पिंड निकोसरा है। मामला ये चलता जी, कल परसों का ये आ जिहड़ा थां वा ना, ये बापू करनैल सिंह होरां दा है। तो गुरु महाराज के नाल बड़ा ही प्रेम करता सी। तो उदियां दो लड़कियां ने, एक दा ना सत्तो आ, वो मोलोवाली व्याही है, एक बुढ़े थे व्याही आ। जिहड़ी मोलोवाली वाली बापू की लड़की है, उहदा जिहड़ा छोटा मुंडा वह क्रिश्चन आ, तो पास्टर आ, तो उहदा मकसद ये आ भी इत्थे मैं चर्च बनावा। तो कल परसों साढ़े घर भी आए आ, वो इहदे होर भी इत्थे भरा ने भतीजे आ उन्हां दे घर विच गई है। तो वह किसी ने उहदी हामी नहीं भरी भी इत्थे चर्च बने, तो चर्च बननी भी नहीं चाहीदी, क्योंकि वह जिहड़ा बापू करनैल सिंह सी वह तकरीबन गुरु घर दे नाल बड़ा प्रेम सी। तो एक मैं तुहानूं एक जानकारी दे देना भी आह जिहड़ा थां वा ना, यह किसी की जिद्दी जायदाद नहीं, ये जायदाद नहीं कि ना कोई किसी की मालकी आ, ये जे मन के चलिए तो पिंड वाले का थां ही आ। ਹਾਂਜੀ, ਮੇਨ ਗੱਲ ਤੇ ਉਹ ਮੇਨ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹੋ ਹੀ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚਰਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ। ਭਾਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਚ ਆਪਣਾ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸਵਾਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ? ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਰਾਤੀ ਵੀ ਐਸਐਚਓ ਬੀਬੀ ਆਈ ਇੱਥੇ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਵੀ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਵਾਦ-ਵਾਦ ਚੱਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਚਰਚ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕੋਲ ਜੇ ਮੋਦਵੇਰ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਚ ਉੱਤੇ ਦੇ ਕੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਚ ਤੁਸੀਂ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਫੈਸਲਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਨਜ਼ੂਰ। अगली साड़ी हो या भी आ सिंह बैठे ने, साड़ा नगर बैठा वा, सारे आले दुआले आंढी गुआंढी बैठे है, ते इन्हां वल्लों यही है बस भी असीं इसे चर्च नहीं बन देनी। ये जो जे चर्च बनती है तो फिर वाद वाद चलता, तो वाद वाद दे साडू सख्त खिलाफ आ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह जी। गुरमुख दास रणजीत सिंह सेवादार धन श्री गुरु ग्रंथ साहब सत्कार अते प्रचार सेवा वालों श्रोमणी पंथ अकाली दशमेश तरनादाल पंजवां निशान मिसल बाबा बीर सिंह बाबा धीर सिंह 1300 घोड़सवार जी, खबर मिली सी कि इस पिंड दे विच नवी चर्च बन जा रही है। बेनती पै रही है कि जे असीं गुरु घर भी बनाउणा है ना, तो सानू अकाल तख्त साहब तो परमिशन लैनी पैंदी है, जो अकाल तख्त साहब का संविधान आ कि जे किसी ने पिंड गुरद्वारा साहब बनाउणा है। वेखो साडा इतिहास है, इत्थे शहीदां दीआं कुरबानियां है, साडे इतिहासक स्थान आ जिथे साडे गुरु साहिबानां ने भावें किते पातशाह दा अवतार होया है, भावें किते पातशाह ने जंगां लड़ियां है, भावें किते पातशाह ने चालियां नूं मुक्त कीता है, उत्थे इतिहासक स्थान बणे आ। ते जे असीं पिंडां दे विच सिंघ सभा गुरद्वारे वी असीं तैयार कराउणे आ ते सानूं अकाल तख्त साहब तों इजाजत लैणी पैंदी है। ते प्यारिओ, इह जिहड़ियां चर्चां वा, देखो असीं किसे दे धर्म दे खिलाफ नहीं। जिथे प्रभु यसू मसीह जी पैदा होए, ये उन्हां लोकां नूं मुबारक आ जिन्हां दे विच ओह पैदा होए, ठीक है जी। इस धरती दे उत्ते जिहड़ी आपां इंडिया दी भारत दी धरती कह लईए, हिंदुस्तान दी धरती कह लईए, इत्थे उन्हां दी कोई देण नहीं है किसी नूं। इतिहास वेखो तुहानूं पता सिरजे जांदे आ। इस करके बेनती आ कि जिहड़े पहलां कुछ लोग जदों इत्थे अंग्रेज़ां दा राज सी उदों ही इत्थे ये जदों ईस्ट इंडिया कंपनी लै के आए ने अंग्रेज़, उदों ही इत्थे चर्चा होंद विच आईआं। उदों पहलां कोई नहीं सीगा इत्थे सिस्टम। ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਤਨ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪਿੱਛੇ ਚਲੇ ਜਾਓ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਜਦੋਂ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਚਰਚ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਊਗੀ, ਕੋਈ ਚਰਚਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਊਗਾ। ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਇੱਥੇ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਮੰਦਰਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਇੱਦਾਂ ਫਿਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਚਰਚਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਕ੍ਰਿਸਚਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਸੀ, ਇਹ ਗੋਰਿਆਂ ਦਾ ਧਰਮ ਸੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ। ਇੱਕ ਬੰਨੇ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਗੋਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਆ ਨਾ ਇਹ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੜ ਕੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਹੈ, ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਲੰਡਨ 'ਚ ਘੇਰਿਆ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਸਥਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਅਤੇ ਪੂਜਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਆ,
पंजाब पंजा पाणियां दी धरती है, पंजा बाणियां दी धरती है। इन्होंने जिथे पहला जदों अंग्रेजों तो बाहर जाने तो जिहड़ियां चर्चा बनिया सीगियां उदों दे जिहड़े क्रिश्चन बने वो अपने घर दे विच अपनी किरत कमाई करते हैं, प्रशादा पानी छकते हैं, आनंद लेंदे हैं। जदों उन्हां दा कोई हुंदा है वो अपनी चर्च के जाके दुआ सलाम करते हैं जिथे पहलियां प्राणियां बनिया, उन्होंने किसी ने डकिया नहीं। पर जिहड़े अज दे नवें पास्टर उठे आ इन्हां दा पखंडवाद तुसीं आम वेख सकते हो स्टेजां दे उत्ते। इन्हां दीआं जिहड़ियां बीबियां स्टेजां ते चढ़ियां हुंदियां उन्हां दीआं इक्को जिहियां चुन्नियां हुंदियां, प्लैन करके उन्होंने जिहड़ा स्टेज ते खिला रहा हुंदा पहलां उन्हां नूं उन्होंने ट्रेनिंग दी जाती है, उन्होंने दसिया जाता है कि जो तुम लोगों के सामने आना है तुम्हें कोई रुमाल लावे, तुम्हें कोई हाथ लावे। ईवन के असी एक चर्च के गए भी हाँ, साढ़े सिंह गए भी आ, उन्होंने पखंडवाद का पर्दाफाश किया वा, वो जो फायर करके लोगों को सुट देंगे। अं क्या भी सू सुट के विखाओ, कोई दिखाओ कि हाथ ला के करो तो सही कहो। हाँ जी, तो मेरी बेनती है भी इन्होंने पल्ले कख नहीं है। महाराज कहते रोटियां कारण पूरे ताल आप पछाड़े धरती नाल, ये आ प्रशादे पानी का चक्कर इन्होंने बनाया। अज की मेन गल इस करके आने भी इतने बन लगी सी चर्च, असं इतने चर्च रोकांगे, असं नहीं बन देनी। पिंड वाले भी विरोध करते हैं, वेखो जी पिंड की संगत ने सद्या भी आ, सानू फोन भी गए आ। तो बाकी दल पंथ जिहड़ा वा बिल्कुल जिहड़ा जिदा निहंग सिंह जथेबंदियों नूं पहलां लोकी असीं भी कहिंदे हुंदे सी, मैं सरकार कमेटी जी पहलां मैं बड़ा निहंग सिंह जथेबंदियों नूं कहिंदा हुंदा सीगा कि जी तुसीं करदे कुछ नहीं गे, तुहाडी देण की फलाना ढिंगड़ा। तो अज निहंग सिंह जथेबंदियों दे नाल मैं खुद आ, तो निहंग सिंह जथेबंदियां देखो तुहाडे सामने सिंह बैठे आ त्यार पर त्यार बाणियां दे विच, ते जिहड़ा निहंग सिंघां नूं ताना वजदा सी अज निहंग सिंह बैठे आ इत्थे। असीं जो धर्म की गल आ सच की गल आ उत्ते पहरा देंगे, बाकी जिहड़ा साडे धर्म के खिलाफ गल्लां बातां करदे ने वेखो असीं इन्हां दुश्मन नहीं गे। पर मेरी कितने ना कि इस ईसाई धर्म के नाल कोई गलबात हो गई तो मैं जेल भी कट के आया। कारण कारण की होया कि ये साडे धर्म के भी खिलाफ बोलते हैं, बाबा दीप सिंह जी नूं अप शब्द बोलते आए, ये छोटी छोटिया बच्चिया सुन के कई इन्होंने ड्राइवर ने यहोजे काम किए, बैटरिया दी तारां पुट देनियां स्कूल वाली गड्डिया दी, फिर बच्चों को कहना जी तुसीं प्रार्थना करो अपने गुरुआ अगे, तो जो गुरुआ के कहे तो गड्डी स्टार्ट ना होनी, गुरु उत्थे की करूगा जो तार ही बैटरी की पुट्टी है। हाँ जी, तो फिर इन्हें कहना वेखो प्रभु जसू का नाम लो तो गड्डी स्टार्ट, योजे पखंडवाद करते हैं ता करके इन्हों के खिलाफ आ। निजी प्रॉपर्टी के उत्ते लोगों गुमराह नहीं कर सकते, आप निजी प्रॉपर्टी के उत्ते कोई शराब की भट्ठी लाई होंगी है किसी निजी प्रॉपर्टी जी अपनी जो समैक बेचन लिया कोई है ना, इस करके कोई धर्म का प्रचार नहीं गा, पखंडवाद आप कहे लोगों। मामला यह है जी पिंड नकोसरा के साडे नानकिया की मतलब साढ़े नाने जी की जगह वा घर ही उन्हों का, तो काफ़ी देर तो साढ़े नाना जी तो नानी जी की डैथ हो गई, तो उस तो बाद मतलब जगह पई तो साडा विचार बने भी उत्थे ही एक निजी चर्च बना लीए। तो असी चर्च ओपन दे लई मतलब मीटिंग की मीटिंग रखी ही, तो उहदे विच पिंड वाले जिहड़े सीगे उह कहिंदे कि असीं सहमत नहीं। मीटिंग 17 तरीक दे जी 17 फरवरी। हाँ जी हाँ जी, तो पिंड वाले कहिंदे ही जी लोग कहिंदे ही भी आपां मतलब उत्थे आपां चर्च नहीं ओपन कर देनी जी, इत्थे चर्च नहीं बन देनी। तो अं क्या भी चलो कोई नहीं चर्च नहीं बन देनी, तो जिहड़ी साडी मीटिंग है 17 तरीक की ये मतलब हुण दित्ती जानी चाहीदी है कि सानूं मीटिंग करन दो, उस तों बाद च असीं अपने जगह दे विच उत्थे घर बना लाँगे, घर मकान बना लाँगे, उहनूं इस वरतों च लियावांगे। तो पिंड वाले ने फैसला किया जी चलो तुसीं मीटिंग जिहड़ी आ 17 तरीक की मीटिंग जिहड़ी आ वो तुसीं कर सकदे हो, तो उन्होंने लिखती रूप च भी सानूं मतलब फैसला दिता, उस तरह भी गल्लें बातें भी मतलब फैसला होया कि तुसीं मतलब उत्थे बंदगी कर सकदे हो। लेकिन अज जदों मीटिंग ही मीटिंग की तैयारी ही करनी आप, उस समय पिंड वालिया ने जथेबंदियों सद्या, जथेबंदियों सद के तो मतलब बिठाल तक, तो उन्होंने कहा कि आप मतलब अज की मीटिंग भी जी नहीं होने देनी। पहला मुड़ के इन्होंने पिंड वाले ने कहा कि चलो तुम इदा करो तुम अपनी जगह पर मीटिंग ना करो तो अं तुम ग्राउंड च जगह दे दें, तो ग्राउंड च मीटिंग कर लो। अ चलो सूँ तुम ग्राउंड च दे दो, तो मुड़ के ग्राउंड च भी उन्होंने कहा भी अही ग्राउंड तुम मीटिंग नहीं कर देनी, ये करके अज की 17 तरीक की मीटिंग जी अं फिर अपने मोलोवाली कर रहे हैं। बिल्कुल जी, प्रशासन को अही पूरा ध्यान च मतलब उन्होंने गलबात साड़ी हुई उत्थे, ये मतलब थाने दे विच ही फैसला लिखती सवेरे होया, अज लिखती रूप च फैसला होया थाने दे विच कि मतलब तुसीं अज दी मीटिंग जिहड़ी आ कर सकदे हो। तो चर्च ओपनिंग दी उन्होंने कहा कि तुसीं नहीं, तो अही इह गल च सहमत है जी अही चर्च ओपनिंग नहीं करते इत्थे, लेकिन जिहड़ी साड़ी मीटिंग है ये होनी चाहिए। कारण वेखो जी ये तो उन्होंने पता होगा कारण का, वेखो साड़ी अपनी निजी जगह जो हो मतलब उत्थे अही कुछ भी कर सकते हैं ना, कुछ भी मतलब बना सकते हैं। तो मतलब इन्होंने कहा कि नहीं चर्च नहीं बनानी, तो यह क्या भी कोई गल नहीं जी नहीं बनानी, तो
ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਰਾਜਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਚਰਚ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਸਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬੈਠ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਗ ਇਹੀ ਹੈ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਵੇਖੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਕਦੀ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਜੀ, ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿਣਾ, ਹੈ ਨਾ, ਵੱਧਦਾ ਜਾਂਦਾ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ। ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਮਤਲਬ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਕਰੀਏ। ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸਹਿਮਤੀ ਕਰਕੇ ਵੀ ਫਿਰ ਮੁੱਕਰ ਗਏ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਕਿ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਚਰਚ ਨਹੀਂ ਬਣ ਦਿੰਦੇ। ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਇਹੀ ਹੈ ਵਿਚਾਰ ਜੀ, ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਚਰਚ ਨਹੀਂ ਬਣ ਦਿੰਦੇ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਮਤਲਬ ਚਰਚ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੈ ਜੀ, ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਰਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾਓ। ਇਹ ਲਿਖਤੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਮਤਲਬ ਬਾਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਚਰਚ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵਾ, ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਘਰ ਬਣਾਓ, ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਣਾ ਕੇ ਰਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਦੁਆ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵੀ ਕਰੋ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਚਰਚ ਨਾਮ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਚਰਚ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਬਾਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈ ਕੇ। ਮਸੀਹ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਤਾਂ ਵੇਖੋ ਜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤਾਂ ਹੋਈ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਵਾਦ ਵਿਵਾਦ 'ਚ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਚਾਹੀਏ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਇਹੀ ਮਤਲਬ ਸਹਿਮਤ। ਇੱਥੇ ਕੁਛ ਆਪਣਾ ਸਾਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਆਵਾਮ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਆ ਕੇ ਦੋਨਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਮਾਹੌਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਾਂਤ ਹੈ। ਸਰ ਇਸ ਕੋਈ ਚਰਚ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਚਰਚ ਬਣਾਉਣੀ ਦੇਣਾ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮੰਨ ਗਏ ਕਿ ਉਹ ਗਲੀ ਬਹੁਤ ਭੀੜੀ ਸੀਗੀ, ਹੁਣ ਕਦੇ ਇਹਦਾ ਹੋਰ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਕਹਿੰਦੇ। ਸਰ ਸਥਿਤੀ ਐਸਲ ਕੰਟਰੋਲ? ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ ਜੀ।